इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, आपका सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम DHE की चंडीगढ़ की अपडेट देखेंगे। कल मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शाम को नहीं बना पाया क्योंकि कल मुझे जस्ट फीवर हो गया था, इस कारण से मैं नहीं बना पाया, आपको अपडेट नहीं दे पाया। तो आज देखते हैं हाल क्या है DHE चंडीगढ़ का। तो अब मैं सीधा आपको DHE चंडीगढ़ की साइट पर लिए चल रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं साइट पर हम चले गए हैं, और साइट पर जो चले गए हैं तो आप यहाँ पर आप देखें क्या दे रहे हैं। ये लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर ऑल PG डिप्लोमा कोर्सेज इज एक्सटेंडेड टिल 4 सितंबर संडे, और एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म्स अर्लियर कैन अपडेट देयर रिजल्ट्स थ्रू द रिस्पेक्टिव DHE लॉगिन। द रिवाइज एडमिशन शेड्यूल विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन। तो ये उन तमाम बच्चों के लिए है जो बच्चे PG और PG डिप्लोमा करना चाहते हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सटेंड इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारे जो ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स अभी लगभग नहीं आए हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ हो गए आगे हैं, तो उनके अपडेट के बिना यहाँ पर करनी बहुत दिक्कत है इस वजह से। और उसके बाद अब हमारे पास एक और अपडेट आई है, ये अभी देख रहे हैं कि अभी तो 5 तारीख तक वही चलेगी अपडेट कि इंस्ट्रक्शंस थी वेकेंट सीट्स के लिए, जो कि अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इंस्ट्रक्शन जो थी वो वही पुरानी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की तरह था, जो कि हमारी जैसे कि आपको पता ही है 5 तारीख तक ये चलेगी, और 5 के बाद जो है वो फिर हमारे जो है अपडेट आएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या हमारा रहता है शेड्यूल, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि वो शेड्यूल क्या रहेगा, अभी कितनी सीटें बची है, डी रिजर्वेशन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं है। तो मैं आपको फिर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार नीचे चलकर कि कुछ अपडेट तो नहीं है शेड्यूल फॉर द एडमिशन। और जब शेड्यूल फॉर द एडमिशन्स करते हैं तो हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर देखते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन का। तो सेंट्रलाइज एडमिशन में आप देख पा रहे हैं वही है 26/8 से लेकर 5/9 तक अभी एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो वैकेंट सीट्स हैं उनका कॉलेज लेवल पर एडमिशन हो रहा है। तो आपने क्या करना है, DHE की लॉगिन करना है और आप पर वहाँ देखना है कि आपको सीट ऑफ़र हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको सीट ऑफ़र होती है तो आपको फ़ीस पे करनी होगी और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये थी आज स्पेशल अपडेट आपके लिए, और जैसे ही 5 तारीख के बाद कोई और अपडेट आती है, डी रिजर्वेशन होती है या नहीं होती, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको चैनल से मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और कल का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।